बहुत अच्छी मूवी है। अनिल कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? जॉन की एक्टिंग, अनिल कपूर का एक्टिंग तो सबको मालूम ही है, वो अच्छा करते हैं। जॉन भी अच्छा था और सारी तीनों हीरो बहुत प्यारे लग रहे थे मूवी में। और कॉमेडी अच्छी, हाँ गाने भी अच्छे हैं मूवी के। डायलॉग्स या कॉमेडी जो पंच लाइन्स थे उनके, जो एक्शन कर रहे थे पंच लाइन, वो सब अच्छे थे। स्टार में क्या बोली, स्टार फिर भी 5 में से कितने दोगे? मैं स्टार का कुछ बोल नहीं सकता, आप मूवी देखो, एंजॉय करो। सबसे बेस्ट था जॉन अब्राहम के जो डायलॉग है, बेस्ट है यार। और ये फैमिली मूवी है, इसको सब बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ एडल्ट सीन नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे पागलपंती दिखाई है, सबसे ज्यादा पागलपंती अरशद वाशी की है। सुपर मूवी है। उसके बाद जॉन अब्राहम की क्या बॉडी है यार, और उर्वशी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने तो अपनी फ्लैशबैक मूवी दी, याद दिला दी, जो कौन सी वेलकम आने लखन पाजी का रोल दिखाया उन्होंने, एक नंबर दिखाया, ट्रू इंडियन जिसे कहते हैं। सर ने भी अच्छा ही किया है, बट लाइक उनका इतना कुछ खास नहीं था, बट उन्होंने भी ठीक ही किया है। बट जो मेन किरदार था वो था जॉन अब्राहम और अरशद वाशी, अनिल कपूर सर और सौरभ शुक्ला सर, ऑसम। गाने कितने पसंद आए? गाने तो कुछ खास नहीं थे, बस खाली एक तेरा बेमान मेरा दिल बेस्ट था यार, बेस्ट। बहुत कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है, फुल पागलपंती है, फुल एक नंबर मूवी है। जाओ पागलपंती पंती देखो, यू शुड वॉच। 5.5 अभी एक नंबर है, बहुत अच्छी है पागलपंती में एकदम, और सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उर्वशी मैडम और वाईफाई भाई सबने अच्छा किया है, और हम 5 out of 5 देते हैं। पैसा वसूल मूवी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वाई फाई वाई का रोल बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। यस उन्होंने, यस यस मैम, हाँ गाने भी पसंद है मूवी में, कॉमेडी भी है, अच्छी एक्टिंग भी है, सस्पेंस भी है, और थ्रिलर भी है। सबसे ज्यादा मैम वाई फाई भाई और उर्वशी मैडम का काम अच्छा लगा, अलग अलग होते हैं, बहुत बढ़िया मूवी है। इस तरह से इस फिल्म का नाम है पागलपंती, उतनी पागलपंती हुई। यस मैम, यस मैम, पूरी मूवी में हंसी है, कहीं पे हंसी, कहीं पे बोरिंग नहीं है। ओके, और 5 स्टार कितने दोगे पे? 5 5। थैंक यू। हैव यू सीन द मूवी? हां, बहुत अच्छी मूवी थी, कॉमेडी बहुत अच्छा है, बॉलीवुड कॉमेडी। बहुत अच्छी मूवी थी बॉलीवुड कॉमेडी के हिसाब से, इट वाज वेरी गुड, आई विल गिव 4.5। और उर्वशी का डांस और फाइट सीन भी बहुत अच्छा था। डायरेक्शन म्यूजिक, या आई लाइक द म्यूजिक, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, लाइक यू, इट इज़ फुल एंटरटेनमेंट, लाइक यू विल नॉट बी बोर्ड इन द एंटायर मूवी, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी फनी, लाइक कॉमेडी वाइज इज़ वेरी गुड, एंड इट गिव्स अ गुड मैसेज ऑल्सो एट द एंड, लाइक हाउ द लाइक द बिग बिजनेस मैन एंड ऑल दे आर लूटिंग आर कंट्री लाइक दैट, सो इट गिव्स अ गुड मैसेज एट द एंड। That best thing is the comedy. It's yeah, it's very entertaining. Okay. Yeah. And out of 5, how many stars you will give? 4.5. Thank you. Picture बहुत एकदम पिक्चर बहुत एंटरटेनिंग थी, लाफ्टर राइट थी, और ये फैमिली मूवी है तो पूरी फैमिली जा सकती है, और इसमें मूवी में जरा भी किसी को बोर नहीं होगा, बहुत एंजॉयिंग फिल्म है। डायरेक्शन की बात करें तो कैसा लगा? डायरेक्शन अनीस बादनी का बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगा उसका वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन है अभी तक ये मूवी में, और काफी अच्छी स्टार कास्ट है। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद क्या सितारे खो गए हैं उसमें, या मतलब उभर के आ रहे हैं सबका कैरेक्टर? सबका मतलब सबको अच्छा इक्वल रोल मिला है, तो सबने अच्छा काम किया है। स्पेशली कॉमेडी फिल्म में अरशद वारसी और अनिल कपूर तो सुपर्ब है ही, लेकिन इसमें पुलकित सम्राट और जॉन अब्राहम का भी बहुत बढ़िया काम था, और सौरभ शुक्ला तो कॉमेडी में बहुत बढ़िया ही है, सुपर्ब है। तो ओवरऑल सब हीरोइन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो सब एक्टर एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है पिक्चर में। ओके, एंड आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4.5। थैंक यू सर। ओके सर, कैसी लगी पागलपंती पिक्चर? बहुत सारी
स्टार कास्ट है लंबी चौड़ी, लेकिन मीनिंगलेस है. तो कॉमेडी जो है एकदम मीनिंगलेस है और जिसका कोई लॉजिक नहीं है. हमको तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है. तो मीनिंगलेस है तो कहीं ना कहीं एंटरटेन करती है ये ऑडियंस को? इतनी खास ऑडियंस को एंटरटेन करती है, जो लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उसके लिए थोड़ा टाइम पास के लिए ठीक है. एजुकेटेड आदमी को पसंद नहीं आएगी. आप कह रहे हैं मासेस के लिए? हाँ. ओके. और अगर डायरेक्शन की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो क्या? डायरेक्शन अच्छा नहीं है, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन बहुत वीक है. खाली सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और एक उर्वशी रावते थे गोश्त में, उसका डांस अच्छा है. और किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी है आउट ऑफ इट, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो किसकी? ऐसा उर्वशी रावतेले का जो है भूत बनी हुई है, भूतनी, उसका ठीक है काम. और नीरज मोदी का काम अच्छा है. ओके. दर्शकों को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, वही एक बात? हाँ, इतने सारे गम बुलाने के लिए ठीक है. ओके. लाइफ में जो गम है उसके टाइम पास मूवी है सर. ओके. आउट ऑफ फाइव कितने स्टार्स देना चाहेंगे? दो. थैंक यू सर. मूवी पागलपंती के बारे में बताइए, कैसे लगी? पागलपंती मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यार, क्योंकि मैं सेम देख रहा हूँ, वेलकम वेलकम बैक, हाउसफुल, सेम कॉमेडी, सेम कुछ डिफरेंट है ही नहीं. पहला इंटरमिशन तक पहला पार्ट बोरिंग, टोटली बोरिंग. सेकंड में थोड़ा सा है, मतलब मैं बताता हूँ आपकी मूवी को मैं आउट ऑफ फाइव में वन दे सकता हूँ. क्या आपको उसमें बट अरशद इज़ गुड, अरशद वसी इज़ गुड. अरशद वसी को जो डायलॉग्स दिए गए थे उनके एक्सप्रेशन ही अलग है. आपको पता है कि वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं. तो अलियाना भी ठीक ठाक ही है, लेकिन म्यूज़िक जो इन्होंने बनाया है, पुराने गानों को उठाया है, तेरा बीमार मेरा दिल और दूसरा वो गाना है, वो भी पुराने ही गाने, उनको थोड़ा मॉडलेशन किया है. लेकिन इसमें एक गाना अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, वल्ला वल्ला माशाल्लाह, दैट वॉज ऑसम कंपोजिशन, ऑसम सिंगर. मुझे पता नहीं अभी किसने गाया है तो कंपोजिशन, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंपोजिशन है. उसमें कॉस्ट्यूम्स जो इनको पहने तो वो भी ठीक है, बाकी मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी. कहीं ना कहीं डायरेक्शन और म्यूजिक की बात करें तो क्या इम्प्रेस करती है लोगों को? अनीस बज़मी जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, मैंने उनकी सारी मूवीज़ देखी है, लेकिन आज मैं थोड़ा निराश हो गया यार. मुझे लगा था मैं आज मॉर्निंग में उठा, वरना मैं थोड़ा लेट ही उठता था. मैंने सोचा देखता हूँ, लेकिन I'm not satisfied. कोई एक चीज़ दर्शकों को ये मूवी देखनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, देखनी चाहिए. एक्चुअली हर एक का मतलब सोचने का तरीका अलग है. किसी को अच्छी भी लगी होगी, कोई कॉमेडी ज़्यादा पसंद करता है तो, लेकिन कॉमेडी में फिर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं दिखाना चाहिए. उस मूवी में भी ऐसा है, इस मूवी में भी ऐसा है. तो मुझे इस मूवी में सिर्फ एक ही गाना अच्छा लगा, जिसमें मुझे थोड़ी किक लगी, दैट वाज वल्ला वल्ला माशाल्लाह, दैट्स अ गुड सॉन्ग. एंड फाइनली आउट ऑफ फाइव कितने स्टार्स? मूवी के लिए बता रहे हो आप? मूवी के लिए मैं फाइव में से वन, लेकिन अगर म्यूजिकली आप देखोगे तो म्यूजिकली थोड़ा ठीक ठाक ही है. एंड द सॉन्ग वाज ऑसम वल्ला वल्ला, बस और क्या कर सकता हूँ यार. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बताइए पागलपंती मूवी के बारे में आप देख के आए, कैसी लगी? फुल इंटरटेनिंग मूवी है. और जब उर्वशी की एंट्री होती है, डांस, उर्वशी का बीमार मेरा दिल, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा. उनका डांस तो कमाल का है ही. और जो है सी सो हॉट, एंड अरशद वारसी की जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत अच्छी लगी हमें कॉमेडी उनकी. सौरभ शुक्ला की भी अच्छी, मतलब एवरी कैरेक्टर, जो भी जितने भी पात्र थे सबने अपना मतलब 100% योगदान दिया उसमें. और आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी, आप विद फैमिली आके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अश्लीलता नहीं है इस मूवी में. और आपको जो है मतलब पूरा मज़ा मिलेगा इसमें, इंटरटेन रहिएगा और पैसा वसूल मूवी आपकी. इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट में इसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा उम्दा लगी और क्या लगना चाहिए? अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला वाई फाई, इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत ज़बरदस्त लगी हमें. अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं, अगर आपको इंटरटेन चाहिए तो आप आ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, क्योंकि ये फुल मतलब इंटरटेनिंग मूवी है. और जो है विद फैमिली आप एंजॉय कर सकते हैं. म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो म्यूजिक तो जब सेकंड हाफ में जब यूनिवर्सिटी की एंट्री होती है और बीमार मेरा दिल सॉन्ग, ये इस समय इतना हिट हो चुका है सॉन्ग, ये यूट्यूब पर कितने मतलब व्यूज आ चुके हैं उसके,
इसलिए मुझे लगता है कि म्यूजिक भी इसका बहुत ज़बरदस्त है इन माई व्यू। मुझे पागलपंथी ही लगी भाई, सच्चाई यही है, क्योंकि इस तरह की पिक्चरें हम कॉमेडी बहुत देख चुके हैं, नो एंट्री, वेलकम वेलकम बैक, चाहे बेशक अनीस बज्मी जी की हो, लेकिन अनीस बज्मी जी को सब्जेक्ट पे वर्क करना चाहिए, सेम ही टॉपिक के ऊपर सेम कास्टिंग चेंज करके और सेम सारी मिलता जुलता वो पिक्चर ख़त्म होती होती फिर स्टार्ट हो जाती है, कोई गानों के ऊपर ज़्यादा मतलब मैं किस तरीके से सेलेक्ट करते, मैं इतनी मंगत जी ने इतने पैसे लगाए हैं पिक्चर के ऊपर, लेकिन अनीस बज्मी जी को भी उन पैसों का हक अदा करना चाहिए कि किसी के पैसे वेस्ट ना जाएं। प्रोड्यूसर एक ट्रस्ट करके मतलब किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन कम से कम जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनको स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करना चाहिए। म्यूजिक की बात करें तो सबसे पहले मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा, जो ये रिक्रिएट कर रहे हैं इनको बैन करना चाहिए, इंडस्ट्री से बैन करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे भले जो गाने कानों में सुनते थे उनकी बिल्कुल माँ बैन कर दी है इन्होंने, और ये गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जा रहे। क्या बस ठीक है ये डीजे में कमर मटकाने के लिए थोड़े बहुत, लेकिन क्या आप घर में सुनते हो इन गानों को? पहला गाना सलमान सर का है, तुम पर हम अटके यार दिल बीमारे झटके, कितने टाइम पहले आया था, वो आज भी सुनोगे तो वो इससे बेस्ट लगेगा। मुझे एक ही गाना अच्छा लगा इस फिल्म का, वल्ला वल्ला, जो नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं नईम शाबिर, उन्होंने किया। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो नए लोग हैं उनको चांस देना चाहिए, ताकि पब्लिक के आगे अच्छे अच्छे टॉपिक आ सके, अच्छी अच्छी पिक्चरें आ सके। बाला भी आई है अब पीछे और कबीर भी आई थी एक, क्योंकि यूथ को अच्छा टॉपिक चाहिए, ये तो बहुत देख चुके हैं। अच्छा कोई एक चीज़ आपने सारी चीज़ें बताई कि ये खराबी ये है, कोई एक चीज़ दर्शकों को मूवी क्यों जानी चाहिए सिनेमाघर? दर्शकों को क्यों जानी चाहिए? वो इसलिए जाना चाहिए कि कुछ सीन पिक्चर के बहुत अच्छे हैं, अच्छे शूट किए गए हैं, हंसाते भी हैं गुदगुदाते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर को हम अच्छा नहीं बोल सकते कुछ सीन के लिए। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक, बहन और भाई, वो मुस्लिम धर्म के अंदर आप दिखा सकते हो कि भाई ठीक है उनकी चाचा ताऊ में एक दूसरे से मैरिज हो जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में आप हिंदू लड़की को हिंदू लड़के को भाई बहन एक दूसरे को बोल रहे हैं और फिर उनकी आप लव स्टोरी दिखा रहे, तो आप कितना गंदा मैसेज दे रहे हो। आई एम राइट या रॉन्ग? एक हिंदू लड़का क्या अपनी बहन से शादी करेगा? क्या इतनी बड़ी बुद्धि वाले अनीस बज्मी जी बन रहे हैं? क्या इनको इतनी अकल नहीं आई कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को? तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं राइटिंग जो स्टोरी है, अरे बिल्कुल दिमाग नहीं है। बिल्कुल, मैं एक नॉर्मल सी चीज है यार, एक बहन भाई को आप कैसे प्यार करते हुए दिखा सकते हो यार? एक बड़ा मुद्दा है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? 2। थैंक यू सर जी। पागल हो गए देख के, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे। मुझे बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई मूवी देख के, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, पुलकित सम्राट, सब इतने बढ़िया एक्टर्स हैं, अरशद वर्सी, जो मतलब स्क्रीन पे आते ही लोग हंसने लग जाते हैं, बट उसके सौरभ शुक्ला इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर एक्टर्स, और उनके साथ तीन इतनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस, इलियाना डिक्रूज या कृति खरबंदा एंड उर्वशी रौतेला। बट अगेन, इफ दिस स्टोरी इज़ वीक, इफ द स्क्रिप्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, देन आप कुछ भी कर लीजिए वो काम नहीं होगा, चलेगा। व्हाट इज़ रॉन्ग इन द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक द काइंड ऑफ मूवीज़ ही हैड मेड इन द पास्ट, अनीस बज्मी इज़ नोन फॉर हिज मूवीज, वेलकम वेलकम बैक, रोमांटिक मूवीज़ देख लीजिए, हलचल, प्यार तो होना ही था, नो एंट्री, ही हैड सो मेनी ब्लॉकबस्टर्स, एंड कॉमेडी के नाम के लिए अनीस बज्मी का नाम बहुत उससे लिया जाता है, बिकॉज ऑल हिज मूवीज़ हैव डन वंडर्स, बट ये मूवी में you cannot be on the high all the time, so I think ye movie is a setback, big setback, with the kind of star cast we had. Isse pehle Marjawa wo bhi disappoint hui, itni badi star cast thi, aur choti movies jaise Dream Girl aur ye sab movies chal rahi hain, Bala. What is the major setback for this movie according to you? Story, script. I think content is the king, you cannot just make whatever you feel like. Music bhi itna ye nahi hai, action aur stunt scenes acche hain, but overall it disappoints big time. And in direction and cinematography department, एडिटिंग पे ध्यान देना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी इज ओके बिकॉज एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट वेल, हाउएवर एडिटिंग पे ध्यान, सेकेंड हाफ इज सच अ ड्रैग, कहीं से भी कुछ भी उठा के डाला है, ऐसे लग रहा है तीन चार फिल्म्स की मिला के खिचड़ी बना दी। एंड व्हाट अबाउट
म्यूजिक म्यूजिक इज ऑल्सो नॉट अप टू इतने साजिद वाजिद योयो हनी सिंह और कनिष्क बागची इतना अच्छा बागची इतना अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं आजकल बट म्यूजिक भी इतना कुछ ये नहीं है मज़ा नहीं आया वन रीजन दैट ऑडियंस शुड गो एंड वॉच दिस मूवी मे बी स्टारकास्ट की वजह से एंड द हाइप अराउंड दिस मूवी पागलपंती इतना ट्रेलर जब आया था बट अदर देन दैट इट विल फिजल आउट व्हेन दे वॉच इट एंड आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स 2 स्टार्स थैंक यू सर